हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड कैसे हो आप सभी लोग। फाइनली गाइस, बीजीएमआई में C5 S13 में अपना क्राउन लग चुका है एंड क्राउन पे अपने को मिलने वाले बहुत सारे रिवॉर्ड्स। तो ये रिवॉर्ड्स क्या क्या मिलेंगे, इसे कैसे कलेक्ट करना है, क्या बेस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स यूज कर सकते हो, प्लस यहाँ पे गाइस आपको रॉयल पास लेना रहता है कि नहीं इस सीजन रिवॉर्ड्स को कलेक्ट करने के लिए। एंड यहाँ पे गाइस सबसे मेन आपको जो टीम अप स्पेशल इफेक्ट मिलता है वो कैसे कलेक्ट करना है, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले। सो मेक श्योर गाइस आप वीडियो को लाइक करना है, मुझे कमेंट करके बताओ कि अभी आपकी रैंकिंग क्या चल रही है, आप क्राउन एस या एस मास्टर पे हो, ताकि मुझे भी तो पता चले जो मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स है, व्यूवर्स है, जो इस वीडियो को लाइक कर रहे हैं वो प्रो प्लेयर है, न्यू प्लेयर है या फिर हैकर है। सो कमेंट में राइट नाउ एंड थैंक यू सो मच गाइस, आप सभी का दिल से जो कमेंट्स आप कर रहे हो। नाउ गाइस यहाँ पे अपना C5 S13 में क्राउन लग चुका है एंड यहाँ पे गाइस क्राउन पे अपने को मिल रहे दो टाइप के रिवॉर्ड्स, पहला तो टीयर रिवॉर्ड्स मिला है, दूसरा सीजन रिवॉर्ड्स। तो टीयर रिवॉर्ड्स गाइस ये जो आपको है प्रोटेक्शन कार्ड मिल रहा है, 3 मिलेगा टोटल, जो कि आप क्राउन पे यूज कर सकते हो अगर आपका बार बार माइनस हो रहा है, या फिर आप बोल सकते हो अगर आप न्यू प्लेयर हो मेरी तरह। तो यहाँ पे गाइस मेरे पास टोटल 3 प्रोटेक्शन कार्ड है, तो ये जब भी मेरा 3 बार माइनस होगा तीनों बार यूज हो जाएगा, फिर यहाँ पे ये यूज नहीं होगा गाइस। एंड हाँ, एक चीज ध्यान रखना, ये आप क्राउन तक ही यूज कर पाओगे, एस पे आपको ये एलिजिबल नहीं है। तो ये मत सोचना कि आप एस मास्टर पे यूज करोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, क्राउन पे आते ही इसको लगा देना सो दैट आपको माइनस ना लगे एंड आपका जल्दी से एस लग जाए। देन यहाँ पे गाइस आपको और रिवॉर्ड देखने को मिलता है क्राउन पे, जो कि है सीजन रिवॉर्ड्स। सीजन रिवॉर्ड में गाइस आपको टोटल देखो पहला नेम टैग मिल रहा है जो कि काफी ओपी सा है, देन यहाँ पे गाइस आपको ये टोकन मिल रहा है एंड लास्ट में गाइस आपको ये टीम अप एक्सक्लूसिव टीम अप इफेक्ट देखने को मिल रहा है, जो कि काफी लोग का डाउट आता है कि ये टीम अप इफेक्ट मुझे क्यों नहीं मिला, तो ये भी हम लोग बात करेंगे आगे। बट यहाँ पे गाइस देखो ये नेम टैग जो मिल रहा है ये आपको क्राउन पे मिलेगा, लेकिन ये सीजन रिवॉर्ड्स है तो ये इस सीजन आपको नहीं मिलेगा, जब अपना सीजन 14 स्टार्ट होगा तभी आपको ये मिलने वाला रिवॉर्ड। इसको इक्विप करने के लिए गाइस आपको सिंपली अपने लॉबी में आना है एंड यहाँ पे अपने प्रोफाइल पे क्लिक करना है, देन सेटिंग्स पे आ जाना है एंड यहाँ पे गाइस आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, 4th में आपका जो भी नेम टैग रहेगा उसे आप यहाँ पे यूज कर सकते हो इजिली। देन गाइस यहाँ पे आपको सीजन टोकन्स देखने को मिलता है, जिससे गाइस आप फ्री में सिल्वर फ्रेगमेंट्स, एजी या फिर आउटफिट्स वगैरह ले सकते हो। मैं यहाँ पे गाइस आपको रिकमेंड करूंगा गाइस कि आप सिल्वर फ्रेगमेंट्स और एजी लेना, बिकॉज सिल्वर फ्रेगमेंट्स आप मिथिक गन निकाल सकते हो, एजी से गाइस आप लकी क्रेट्स ओपन कर सकते हो, लकी क्रेट से आपको फ्री में बहुत सारे अच्छे आउटफिट्स वगैरह ले सकते हो। बाकी आपकी मर्जी, आप यहाँ से जो चाहिए वो उठा सकते हो, जो भी ड्रेस चाहिए पुराने वाले, ये मोस्टली जो ड्रेस है गाइस आपको सीजन 1, 2, 3, 4 के देखने को मिलते हैं गाइस। नाउ गाइस अपना नेक्स्ट रिवॉर्ड है टीम ऑफ स्पेशल इफेक्ट। इसके रिगार्डिंग मुझे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि इसे कैसे इक्विप करना है, कैसे कैंसिल करना है, कैसे लगाना है, कलेक्ट तो हो गया मुझे शो नहीं कर रहा है, या फिर मुझे अभी तक कलेक्ट ही नहीं हुआ है, काफी लोग को डाउट रहता है इसके रिगार्डिंग। तो ये गाइस आपको अभी नहीं मिलेगा, एक चीज मैं क्लियर कर दूं, बिकॉज ये सीजन रिवॉर्ड है, तो ये सीजन जब सीजन 13 खत्म हो जाएगा तभी आपको ये रिवॉर्ड्स मिलने वाला है। बट रुको, अभी आप लोग बोल लोगे कि नहीं काफी प्लेयर्स को तो दिख रहा है, उनको तो उनका टीम ऑफ स्पेशल इफेक्ट कैसे वर्क कर रहा है, तो उनका जो टीम ऑफ स्पेशल इफेक्ट वर्क कर रहा है गाइस वो पुराना वाला है, पुराने सीजन का है, ये सीजन का नहीं है, उनको भी इस सीजन का रिवॉर्ड नहीं मिला है। तो जब नेक्स्ट सीजन स्टार्ट होगा, यानी कि अभी चल रहा है सीजन 13, सीजन 14 जब ये आएगा तभी आपको ये टीम ऑफ स्पेशल इफेक्ट मिलने वाले एंड ऊपर के 2 रिवॉर्ड, जो कि है आपके नेम टैग और दूसरा सीजन रिवॉर्ड्स जो कि आपका टोकन रिवॉर्ड्स है। एंड यहाँ पे गाइस जब आपका नेक्स्ट सीजन आता है तो आपको जो है कलेक्ट करके एक बॉक्स आता है जिस पे आप क्लिक करते हो तो ये ऑटोमेटिकली कलेक्ट हो जाता है। नाउ गाइस अभी इसको इनेबल कैसे करना है, अगर आपको ये फर्स्ट टाइम मिल रहा है ना तो इसको आपको सेटिंग्स में जाके इनेबल करना है। तो उसके लिए गाइस आपको सिंपली लॉबी में आना है, इन्वेंट्री में जाना है एंड यहाँ पे आपको चेक करना है आपका एंट्री इमोट किस पे सेट है, आउटफिट पे सेट है या फिर आपका टीयर पे सेट है। तो इसको गाइस आपको बाय डिफॉल्ट आउटफिट पे रहता है, इसको टीयर पे सेलेक्ट करना रहता है। तो एक बार ये टीयर पे सेलेक्ट हो गया तो वापस से आउटफिट पे सेलेक्ट नहीं होगा गाइस, ये चीज भी ध्यान रखना। और अगर आपके पास कोई आउटफिट वाला जो है इमोट्स आते हैं तब ये आप जो है मिसमैच कर सकते हो, मतलब आउटफिट्स टीयर 2 आउटफिट कर सकते हो। बट अगर आपके पास आउटफिट वाला कोई भी इमोट नहीं है, एंट्री इमोट नहीं है, तो आपका डिफॉल्ट टीयर पे ही सेट हो जाएगा। सो आई होप गाइस इसके रिगार्डिंग सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए रहेंगे, फिर भी कुछ रहेगा तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। देन यहाँ पे गाइस अगर आप क्राउन लगाते हो ना तो आपको एक रिवॉर्ड्स और मिलता है जो कि साइकिल रिवॉर्ड्स। साइकिल रिवॉर्ड्स में अगर आप जाओगे तो यहाँ पे आपको बैजेस मिलते हैं जो कि इस सीजन के आपको मिलेंगे। तो टोटल आपको इस तरह के 3 बैजेस कलेक्ट करने रहते हैं। आपने इस सीजन क्राउन लगा दिया तो इस सीजन का आपको देखो बैजेस मिल चुका है। अब यहाँ पे जैसे आप नेक्स्ट सीजन लगाओगे तो उस सीजन का भी बैजेस मिलेगा, तीसरे सीजन का भी मिलेगा, तब जाके आपको यहाँ पे ये क्राउन का जो रिवॉर्ड्स है जो कि मिथिक चीजें हैं वो आपको परमानेंटली मिल जाएंगी। साइकिल रिवॉर्ड्स कैसे कलेक्ट करना है, क्या आप बेस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स यूज कर सकते हो, इसके रिगार्डिंग मैंने सेपरेट वीडियो बनाया, तो इन डिटेल्स यहाँ पे नहीं जाऊँगा मैं, बस आपको सिंपली यही बोलूँगा हर सीजन आप एस लगाओ, आपको साइकिल रिवॉर्ड्स भी मिल जाएंगे ईजिली। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, आई होप आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए रहेंगे। कुछ भी डाउट रहेगा तो मुझे कमेंट में बताना जरूर, मैं आपकी पूरी वहाँ पे हेल्प कर दूंगा। एंड यहाँ पे आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हो गाइस। तो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल। ये क्या कर रहा है तू?